First question was assertion. Work done by the field of a nucleus in a complete orbit around the electron is zero, even if the orbit is elliptical. Reason, electrostatic force is conservative in nature. इसका क्या आंसर लिखा? मैम ठीक था. हाँ ये A आएगा. Both the statements are correct and reason is correct explanation of assertion also. तुषार ये question ठीक था आपका? Tushar, this question was okay. Tushar, so work done in complete orbit around the nucleus for electron is zero, even if orbit is elliptical. Work done zero है क्योंकि closed path है, तो work done zero है क्योंकि वो conservative है, shape of path followed पे depend नहीं करता. इलिप्टिकल हो, सर्कुलर हो, जो मर्जी हो, उसमें वही रहेगा वर्क डन. सेकेंड क्वेश्चन असर्शन. वन मे हैव जीरो पोटेंशियल बट नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस. रीजन, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. हाँ जी, क्या आएगा इसका आंसर? मैम रीजन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है. रीजन तो ठीक है, इसका स्टेटमेंट करेक्ट है, पर असर्शन करेक्ट है क्या? वन मे हैव जीरो पोटेंशियल बट नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस. कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है और पोटेंशियल जीरो. ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं वेयर रिवर्स इज हैपनिंग, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एंड पोटेंशियल इज नॉट जीरो. फॉर एग्जाम्पल एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, एनसीईआरटी में क्वेश्चन था. फॉर एग्जाम्पल एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा है ड्यू टू कैंसिलेशन, बट पोटेंशियल इज एट टाइम्स द पोटेंशियल ड्यू टू वन चार्ज. पोटेंशियल यूजुअली जो होता है वो नॉन जीरो होता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो आता है, बट यहाँ पे रिवर्स कह रहे हैं. तो क्या मुझे आपको एग्जाम्पल दे सकते हो वेयर वी हैव जीरो पोटेंशियल एंड नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड? यस शिवम, कोई ऐसा एग्जाम्पल? कौन सा इसका कोई एग्जाम्पल है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, पोटेंशियल जीरो? फॉर एग्जाम्पल डाइपोल ही ले लो. ठीक है, डाइपोल में एट अ पॉइंट ऑन इक्विटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल हमारा पोटेंशियल कितना आ रहा था? जीरो आ रहा था. और इक्विटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो था. यस मैम, पी बाय आर क्यूब आती है. हाँ, तो ये एग्जाम्पल हम दे सकते हैं. दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं बट वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर इसका बी होना चाहिए, है ना? आपने क्या मार्क किया था? मैम बी किया था. बी किया था, चलो इसको ना मैं करेक्ट कर दूंगी वहां से, तो आपके मार्क्स अपडेट हो जाएंगे. इसका बी आना चाहिए, डी नहीं बी. थर्ड है असर्शन. व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स ऑन इट विल बी जीरो. ठीक है, और रीजन है फोर्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट चार्जेस ऑफ द डाइपोल will be equal and opposite when it is in uniform electric field. इसका क्या लिखा आपने? मैम A लिखा था. हाँ, इसका A ही है. दोनों statements correct हैं और वो उसको explain भी कर रहा है कि yes, क्योंकि दोनों dipole के दोनों charges के ऊपर equal and opposite forces लग रहे हैं, इसलिए net force zero है dipole के ऊपर when it is kept in uniform electric field. So A is the correct answer. A is the correct answer. Gitesh, how many marks did you get in the test? Gitesh, कितने marks आए आपके? मैम 12. हाँ? 12 मैम. 12. चलो सुनो फिर ध्यान से. Fourth है assertion. Potential of a positively charged object may be negative. Reason? पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज ऑफ कंडक्टर. ये रीजन मैम गलत है. हां रीजन रॉन्ग है क्योंकि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. हमारे पास फार्मूला है पोटेंशियल का, v इज इक्वल टू k q / r. पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इट इज डिपेंडेंट अपॉन चार्ज. इफ चार्ज इज पॉजिटिव पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, इफ चार्ज इज नेगेटिव पोटेंशियल विल बी नेगेटिव. तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो रीजन आपका रॉन्ग है, असर्शन करेक्ट है कि नहीं बताओ. मैम वो भी तो रॉन्ग ही होना चाहिए.
क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव कैसे आ गया पोटेंशियल? नहीं नहीं मे बी नेगेटिव, उन्होंने कहा है कि अंडर एनी सर्कमस्टेंस क्या ऐसा हो सकता है कि पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट मे बी नेगेटिव। हो सकता है मैम। कब हो सकता है बताओ? यस यस हाँ हाँ बोलो बोलो। नहीं मैम को रीजन नहीं पता। हाँ रीजन नहीं पता, नहीं मतलब जो भी आप माइंड में सोच रहे हो वही रीजन होगा ना, बताओ शेयर करो। जैसे हम ग्राउंड करते हैं फिर ग्राउंड पे खड़े तो? नहीं मैम ग्राउंड पे खड़े नहीं हम, जैसे कुछ ही। हाँ तो उसमें मैम आप बता दो, मैं मेरे को नहीं पता। अच्छा इसका ना इन्होंने आंसर ये दिया हुआ है, assertion true है reason false है, तो इसलिए इसका सी जो है वो आंसर तो सी है बुक में जो दिया हुआ है, बट वी कैन इंट्रोस्पेक्ट कि कोई अगर एग्जांपल हमारे माइंड में आए कि अगर हम पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल वैसे तो पॉजिटिव ही होगा है ना, बट मे बी नेगेटिव, तो ये हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है तो आई विल बी गिविंग यू सम एग्जांपल लेटर। फिफ्थ है टू अ मेटल वायर ऑफ डायमीटर डी एंड लेंथ एल, व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज डबल ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेट्स डबल। ये असर्शन है। रीजन For a constant voltage, when the length is doubled, drift velocity will be halved. But drift velocity is independent of diameter. ठीक है वो कह रहे हैं reason क्या है कि constant voltage के लिए जब length को double करते हैं drift velocity half हो जाएगी, but drift velocity diameter पे depend नहीं करती। तो ये इसका क्या answer लिखा आप लोगों ने? मैम B लिखा था। हाँ B है इसका correct answer। कैसे एक्सप्लेन शिवम, एक्सप्लेन दिस मैम। वो अगर हम वोल्टेज का डबल कर देंगे तो फिर वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज होने लग जाएगी ना हमारी वो जो वीडी से, तो फिर वो रिसर्च पर रीजन इसका वो बन नहीं रहा असर्शन का ठीक ना एक्सप्लेनेशन। हां क्योंकि रीजन में वो लेंथ को उन्होंने वो अलग था। हां रीजन में वो लेंथ के डबल होने की बात कर रहे हैं, उसके इफेक्ट की बात कर रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में असर्शन में उन्होंने कहा है कि अगर वोल्टेज डबल होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल होगी है ना। उसको हम पहले एक्सप्रेस करके देख लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है ई टाउ बाय एम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को वी बाय एल पुट करें हम पोटेंशियल की टर्म्स में, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि एक तो उसकी लेंथ सेम है गिवेन है मतलब, और डायमीटर गिवेन है, डायमीटर तो इसमें है ही नहीं, इसके ऊपर तो वैसे ही डिपेंड नहीं करता, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करेगी। तो जब हमने वोल्टेज डबल कर दी है तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी, ये ठीक है स्टेटमेंट। रीजन जो है वो भी अपनी जगह पे ठीक है कि जब हम लेंथ को डबल करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, वो तो ठीक है, और डायमीटर पे डिपेंड नहीं करती, वो भी ठीक है, पर ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, तो इसका आंसर है बी। Sixth है, when temperature of a metallic wire is increased, its resistance increases. Metal का resistance, वो कह रहे हैं temperature के साथ increase हो रहा है, ठीक है। Reason, as temperature is increased, average relaxation time increases. तो क्योंकि relaxation time increase हो जाता है, collision fast हो जाती है, तो relaxation time के increase होने से क्या होता है? Relaxation time increase होगा कि कम होगा? हीट करने में बच्चे बोलो, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होगा हीट करने पे कि डिक्रीज होगा? कम होगा मैम, डिक्रीज होगा। ये तो कम होगा ना, तो फिर रीजन तो ये इसका गलत हो गया ना। आपने क्या लिखा आंसर? तो इसका आंसर सी होना चाहिए है ना, पर यहाँ पे ए लिखा हुआ है। चलो मैं इसको फिर करेक्ट कर दूंगी, आप चेक कर लेना। इसका आंसर आपका आना चाहिए सी। Assertion is wrong, reason assertion is right, reason is wrong.
रिलैक्सेशन टाइम तो डिक्रीज होना चाहिए. असर्शन नेक्स्ट, अ पोटेंशियोमीटर कैन एक्ट एज एन आइडियल वोल्टमीटर. रीजन, एन आइडियल वोल्टमीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. तो अब ये दोनों स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंटली करेक्ट हैं, पर उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है कि पोटेंशियोमीटर जो है वो वोल्टमीटर की तरह भी एक्ट कर सकता है. ठीक है, वो उस केस में अगर आई जीरो हो तो पोटेंशियोमीटर जो है वो वोल्टमीटर की तरह भी काम कर सकता है. ठीक है, तो आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर वही होगा जो करंट ड्रॉ नहीं कर रहा तो वो पोटेंशियोमीटर बन जाएगा. ठीक है, तो इसका आंसर है बी पार्ट. असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन. एट है, इंसुलेटर्स डोंट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. ठीक है स्टेटमेंट. रीजन, इंसुलेटर्स हैव नो फ्री चार्ज कैरियर्स, क्योंकि उनके कोई फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते इसलिए. तो ठीक है, रीजन भी ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए पार्ट. ए ही लिखा था आपने? हाँ जी मैम. हाँ जी, ए ही लिखा था. हाँ ठीक है, अब ये हो गए assertion, reason खत्म हो गए. नाउ एमसीक्यूज. फर्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन, टू चार्जेस 5×10⁻¹ कूलम एंड 3×10⁻¹ कूलम आर 16 सेंटीमीटर अपार्ट. फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम वेयर पोटेंशियल इज जीरो. तो इसका डी पार्ट है आंसर, 5 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर. ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व, देख लेते हैं सॉल्व करके. 2 point charges, 5×10⁻¹ coulomb, 3×10⁻¹ coulomb, और they are separated by 16 centimeter. अब इस point पे suppose कर लो at a distance x, तो ये remaining distance है 16 minus x. Remaining distance है 16 minus x. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल कितना होगा P पॉइंट पे, V1 प्लस V2, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो. तो V1 इज K Q बाय R, और इसका पोटेंशियल है K Q बाय R. तो उधर ले जाओ, एक्स आ गया 6 सेंटीमीटर सॉरी. तो आपका बाकी का डिस्टेंस कितना आया, 16 माइनस 6 10 सेंटीमीटर बनता है, यही बनता है आपका 6 और 10 बन रहा है आपका. बट बुक में तो यही आंसर दिया हुआ था, चलो मैं चेक कर लूंगी इसको. मैम वो ना ये क्वेश्चन में ना उन्होंने मार्क को चार्ज ना माइनस दिया होता है ये वाले क्वेश्चन में, एक चार्ज का नहीं, उसमें ऐसे ही था. अगर माइनस दिया होगा तो हाँ वो मुझे लगता है फिर वो चेंज हो जाएगा मार्क. एक मिनट, नेगेटिव साइन तो हमने लिया ही नहीं, वेट, यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस भी तो लेना पड़ेगा. तो 16 by x minus 1 equal to minus 5 by 3. 16 by x is 1 minus 5 by 3. तो ये 3 minus 5 minus 2 by 3 हो गया. तो x आपका आ गया minus 16 into 3 by 2. ठीक है, तो ये आपका 24 आ गया. ये तो कुछ और ही आ गया, ये तो और भी डिफरेंट आ गया. 24 सेंटीमीटर तो हो ही नहीं सकता वो. हाँ, इसलिए हो सकता है क्योंकि 24 मतलब 8 सेंटीमीटर आ गए.
उस चार्ज से 8 सेंटीमीटर आगे हो गया, इसका मतलब बिटवीन इन बिटवीन वो पोटेंशियल जीरो नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि उनका साइन सेम है, तो इसका मतलब इस लाइन के अलोंग ही आएगा पोटेंशियल जीरो, पर बाहर आएगा, इनके बीच में कहीं पे पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, वो अंडरस्टूड है, क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो आएगा बाहर ही। तो एक मिनट, उसके अकॉर्डिंग देखें अगर हम आंसर, तो ये 24 सेंटीमीटर पे पॉइंट आ रहा है, दैट मीन्स तो अगर ये 16 था तो दिस रिमेनिंग डिस्टेंस इज 8 सेंटीमीटर, यही हुआ। मैम एक 10 की पावर प्लस में दी हुई है आपने, मैम दोनों माइनस में ले ली, कौन सी मैम? एक 10 की पावर प्लस 8 है और एक 10 की पावर माइनस 8 है, तो उससे क्या आता है अगर आप सॉल्व करते हो तो? उससे क्या आता है? उससे डिफरेंट आता है आपका आंसर? नहीं नहीं मैम, क्वेश्चन में, मैम क्वेश्चन में भी गलती हुई है ना, पावर क्वेश्चन में दोनों में माइनस होनी चाहिए। आंसर तो आपका अभी भी नहीं मैच कर रहा ना, 24 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग भी आपका एक्स जो है 24 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है, इधर 8 आ रहा है, 8 वाली ऑप्शन तो है ही नहीं है अगर हम देखें तो, है ना। चलो आई विल चेक इट आउट। हॉलो कंडक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? इंसुलेटर्स, फैराडे केजेस, डाइपोल्स, कैपेसिटर्स, फैराडे केजेस। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग का। अ चार्ज क्यू इज सप्लाइड टू अ मेटालिक कंडक्टर विच इज ट्रू। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट इज सेम एज ऑन द सर्फेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट इज जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सर्फेस इज जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट इज कॉन्स्टेंट। तो डी पार्ट आएगा, क्योंकि चार्ज क्यू इज सप्लाइड टू अ मेटालिक कंडक्टर, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट इज जीरो, वो कैसे कह सकते हो आप बताओ? हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट? कौन सा? डी ऑप्शन। हाँ, डी ऑप्शन को जस्टिफाई करना है। हाँ, क्योंकि एक वो कंडक्टर है ना, कंडक्टर के अंदर उसके हर पार्ट पे वोल्टेज सेम ही रहता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा ना उसके अंदर, क्योंकि बाकी ऑप्शंस चेक करो उनमें से कोई भी नहीं बनती। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट इज सेम एज ऑन द सरफेस, नो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट इज जीरो, नो। फील्ड जीरो होगा, पोटेंशियल नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सर्फेस इज जीरो, नो, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है तो पोटेंशियल जीरो नहीं है सर्फेस पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट इज कॉन्स्टेंट, यही वाली बन सकती, तो डी पार्ट करेक्ट है इसका। 12th है, given a number of capacitors labeled as 8 microfarad 250 volt. Find minimum number of capacitors needed to get an arrangement equal to 16 microfarad 1000 volt. किसका ठीक है ये, क्या आंसर है आपका? 32, yes. कैसे सॉल्व किया? मैम पहले वो n निकाल लिया था मैंने, 8 by 2, वो जो हमारे पास दिया हुआ था ना, उन्होंने 250 8 2 आ गया था, मैं मेरा n = 2m आ गया था ना उधर से, 8 और 16 लेकर। हां अच्छा, फिर मतलब n कैपेसिटर सपोज कर लो सीरीज में है और m पैरेलल में, उनको इक्वेट कर दिया, फिर वो 250 से डिवाइड होके आ गया हमारे पास 32। अच्छा, इजीली आ गया था। हां, इसका आंसर है 32। 13th है, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर व्हाट विल हैपन? Potential gradient will increase, potential gradient will decrease, potential gradient remains same, potentiometer will become less sensitive. क्या आएगा इसका? Second आएगा. When we increase the length of potentiometer wire, potential gradient will decrease. आपका potential gradient कम होना चाहिए. Formula है potential gradient का, K is equal to V by L. तो by increasing the length, potential gradient reduces and for better sensitivity of potentiometer, potential gradient should be less. It should be reduced. ठीक है? 14th question, equivalent resistance between C and D in the given circuit is. क्या आंसर आया आपका? ये इस तरह से diagonal जो arrangement है, क्या आंसर आ रहा आपका?
यस बोलो भाई गितेश, कितना आंसर आ रहा था इसका? बिटवीन सी एंड डी इन द गिवन सर्किट, पहले आंसर बताओ क्या आ रहा था शिवम? यस मैम। हाँ इसका आंसर क्या था, वो जो आपका डायगोनल था रोम्बस टाइप, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी पॉइंट्स। मैम वैसे आने तो आर बाय टू चाहिए थी। कितना था मैम? बनती तो ना आर बाय टू है, मगर फिर वो रेजिस्टेंस का अगर बीच वाला छोड़ दे तो 2/3R वाली ऑप्शन ठीक का बन रही थी। हाँ 2R/3 है इसका आंसर। अगर क्या कर दे, मैं पहले ना सारे रजिस्टर ले रहा था ना, और बीच वाला भी जो RR लिखा है ना उसको भी, उसको में ये वाला जो आपने सी और डी के बीच में रखा है इसको भी कंसीडर करके आर बाय टू बनता है। अगर इसको हटा दे तो 2/3R बनता है। हटाना क्यों है? मैं वो ऑप्शन नहीं बन रही थी ना कोई और, तो चलो पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। ये वाली वायर आर और आर 2R हो गया, हम सारे पैरेलल में आ जाएंगे। और ये क्या कह रहे हो, ये सारे पैरेलल में नहीं आ जाएंगे? हाँ, एक साथ ही। हाँ पैरेलल में आ जाएंगे तो चार दो नहीं, सारे तो। पैरेलल में, सारे पैरेलल में थोड़ी आएंगे। ये वाली वायर जो सी और डी के बीच में कनेक्टेड है ये कैसे पैरेलल में आएगी? आपको सी और डी के बीच में निकालना है ना। हाँ जी, तो वो बाकी के पैरेलल में आ जाएगी ना। हाँ बाकी के पैरेलल में आ जाएगी। चलो करो फिर सॉल्व। गितेश आपका क्या आंसर आया इसका? 2R/3 आंसर है आपका। मैम यस मैम, बीच बीच में से ये बीच बीच वाले मैम सारे सीरीज में है, साइड वाले पैरेलल में है। हाँ साइड वाले पैरेलल में हो गए और बीच वाला एक सीरीज में आ गया इसके साथ। नेक्स्ट है ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू व्हाट? डीसी सर्किट, हाई करंट्स, स्मॉल रेजिस्टर, सेमीकंडक्टर। ओम्स लॉ किसको एप्लीकेबल नहीं है, किसके लिए? वीआई ग्राफ एक कर्व आती है, सेमीकंडक्टर के लिए तो नहीं आती, हाई करंट के लिए भी वो स्ट्रेट लाइन आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल रेजिस्टर के लिए तो वैसे ही ओम्स लॉ वे होता है, सेमीकंडक्टर के लिए कर्व आती है। जैसे आपने ट्रांजिस्टर और डायोड्स का वीआई ग्राफ बनाया था नॉन ओमिक कंडक्टर्स के अंदर, ठीक है। 16th एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियोमीटर आउट ऑफ मोबाइल मॉडेम जॉयस्टिक एंड ऑल ऑफ दीज, कौन सा आंसर है? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है वो एक पोटेंशियोमीटर की तरह काम करती है। जॉयस्टिक जो है, जो एक इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर्स में, वो एक पोटेंशियोमीटर की तरह काम करती है। मॉडेम जो है वो तो मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर है, मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन वो कर सकता है, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है सिग्नल को मॉडिफाई करने के लिए, सिग्नल को डिजिटल डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए, डेसिमल से उसमें कन्वर्ट कर सकता है। मोबाइल तो वैसे ही एक ऑर्डिनरी मतलब यू कैन से डिवाइस है, उसका तो पोटेंशियोमीटर से नथिंग इट हैज टू डू। जॉयस्टिक आएगा, ऑल ऑफ दीज से कंफ्यूज हुए हो गए आप शायद। 17th अब केस स्टडी क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दी हुई है उसकी प्रॉपर्टीज पे ही था। तो 17th है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉजिटिव चार्ज आर रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड, स्ट्रेट, सर्कुलर, क्लॉकवाइज। क्या आएगा? एक ऑप्शन, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर रेडियली आउटवर्ड, दे डायरेक्ट रेडियली आउटवर्ड, दे डायरेक्ट रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है 18th, इलेक्ट्रिक लाइन्स आर कर्व्ड इन द फील्ड ऑफ, कहाँ पे कर्व्ड है? अ सिंगल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, सिंगल में तो हमने देख लिया स्ट्रेट लाइंस है, कर्व नहीं है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, टू लाइक चार्जेस, बोथ बी एंड सी, क्या आएगा? क्या आएगा आंसर इसका? टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस मतलब डाइपोल के लिए कैसी होती हैं इलेक्ट्रिक लाइंस पता ही है आपको, और सिमिलर चार्जेस के लिए कैसी होती है? सिमिलर चार्जेस के लिए रिपल्सिव होती है, रिपल्सिव सिमिलर के लिए कर्व्ड होती हैं बट, ठीक है। और डाइपोल के लिए
ये होती है। पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, तो कर्व्ड है। आपका आंसर आएगा बोथ बी एंड सी। 19, इलेक्ट्रिक लाइंस आर ऑलवेज, हाँ जी बोलो मैम, लाइक चार्ज के लिए भी कर्व नहीं लेंगे हम? लाइक चार्ज के लिए कर्व ही है, लाइक चार्ज। हाँ, अच्छा। तो उन्होंने यही पूछा है कि किसके लिए लाइंस कर्व्ड हैं, हमने बोला बी एंड सी दोनों के लिए, मतलब सिमिलर लाइक चार्जेस के लिए भी और इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस के लिए भी। पहली ऑप्शन नहीं आएगी क्योंकि उसमें स्ट्रेट लाइन होती है आइसोलेटेड चार्ज के लिए। 19 है, इलेक्ट्रिक लाइंस आर ऑलवेज डैश टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, वेरी सिंपल, इट वाज पैरेलल, परपेंडिकुलर, डायगोनल, नन ऑफ दीज। क्या आंसर है तुषार, आप बताओ। तुषार कुछ बोल नहीं रहा, तुषार क्या आंसर होगा इसका? तुषार कैन यू टेल मी द आंसर? देखो ऑन करके लग चला गया शायद, है ना, क्या आएगा आंसर? Perpendicular. Electric lines are always perpendicular to the surface of a conductor. अगर parallel हो तो क्या होगा? What if the lines are parallel? क्या होगा फिर? Yes? What if the lines are parallel? ये conceptual question है, हमने पढ़ा हुआ है ये, बताओगे? गितेश आप बताओ। मैम पैरेलल टू द सरफेस ऑफ, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस पैरेलल हैं टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, व्हाट विल हैपन? तो उससे पास ही नहीं करेगी मैम। तो क्या होगा अगर वो पैरेलल हैं टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर? इलेक्ट्रिक चार्जेस विल दे विल स्टार्ट फ्लोइंग अलोंग द इलेक्ट्रिक लाइन, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्जेस वुड स्टार्ट फ्लोइंग अलोंग द इलेक्ट्रिक लाइंस एंड चार्जेस विल स्टार्ट मूविंग। We are dealing with electrostatics. We are dealing with charges at rest. We can't afford the charges to move. तो हमने charges को बिल्कुल भी move नहीं करवाना है, तो इसका मतलब वो फिर हमारा possible नहीं होगा क्योंकि हम तो electrostatics से deal कर रहे हैं। तो ये reasoning आप दोगे। 20th है, which of the following patterns is not possible due to stationary charges? मतलब static charges के लिए कौन सी electric line force का pattern possible नहीं है? क्या answer लिखा है? मैं draw कर रही हूँ, आप बताइए। MC ऑप्शन। हाँ, रीजन मैम, लूप, क्लोज लूप नहीं बना सकती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। पहला जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किसका पैटर्न है? किसका पैटर्न है फर्स्ट वन? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला पैटर्न यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का है। सेकंड किसका है? पॉजिटिव आइसोलेटेड चार्ज का। और थर्ड में क्लोज लूप बन रही है, वो पॉसिबल नहीं। ठीक है, और इसमें वेरिएबल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है और यहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है बिकॉज ऑफ क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेस्ट, और अब आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए क्योंकि पेपर्स आपके ऑफलाइन ही होने हैं, सो नो अदर ऑप्शन यू आर हैविंग।